डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल पर बेस्ड फिफ्थ पार्ट है। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कंजंक्शंस जिनका राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको इन कंजंक्शंस की सही समझ है, अगर आप इन कंजंक्शंस को सही तरीके से यूज करना जानते हैं, तो आप किसी भी टॉपिक पर जब आप राइटिंग वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा आपको देखें, साथ ही राइटिंग स्किल पर बेस्ड ऑलरेडी चार वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उन चारों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, डेज वाइज आप उन चारों वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि न्यू हैं, जिनको जीरो लेवल से सीखना है, अक्सर कॉल करके पूछते हैं सर हमको जीरो लेवल से सीखना है, तो भी आपको बता दूं मैंने बेसिक के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई, जिसमें जितने भी बेसिक के वीडियोस हैं सारे मैंने उसमें ऐड किए हैं। तो उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और सारे वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। हम इस सेशन को डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर देखिए कुछ कंजंक्शंस, चूंकि आज हमारा फिफ्थ डे है तो मैंने फिफ्थ डे में कंजंक्शंस आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ ऐसे कंजंक्शंस जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है राइटिंग स्किल में। ये ऐसे कुछ कंजंक्शंस हैं, एज एंड इफ दैट ऑल दो टिल व्हेन वेयर व्हाइल एंड वेयर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये सारे कंजंक्शंस आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे, राइट? और इनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिनमें सबसे पहला जो आपका कंजंक्शन है एज, इसका तो बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर यकीन नहीं हो तो आज का ही न्यूज़पेपर इंग्लिश का देखना, आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ना उसमें एज आपको दिख ही जाएगा। और वो कैसे यूज होता है वो ही मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो देखिए, एज का मतलब निकलता है जैसे, ठीक है? कोई भी काम किसी के अकॉर्डिंग में, उसी के अकॉर्डिंग होता है तो हम एज लगाते हैं। जैसे देखो, मैंने अगर आपसे कहा कि चलो हम सबसे पहले जो चीज जानते हैं उसके बारे में डिस्कस कर ले, जैसे आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी सभी ने कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे शैल यू रीप, वैसा काटोगे। सो एज यू सो शैल यू रीप, तो यहां पर जैसा आप बोगे, राइट? एज यू से माय लॉर्ड, जैसा आप कहें मेरे लॉर्ड, एज यू कमांड माय लॉर्ड, एज यू से माय लॉर्ड, एज यू ऑर्डर माय लॉर्ड। तो ये देखो, एज मतलब जैसा, अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली करना है हमें, लाइक ओके। जैसे आप देखो, मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्टूडेंट्स अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे अभी हम जानते हैं स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है उनको घर पर मैनेज करना। एज स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, सो इट बिकम्स वेरी टफ फॉर पेरेंट्स टू मैनेज देम। सी, तो ये जो एज है आपको किसमें यूज हो रहा है भैया? सेंटेंस के बिगिनिंग में, सेंटेंस के शुरुआत में, जहां पर कोई ऐसी स्थिति के बारे में हम बात करते हैं जिसके बारे में सब लोगों को पता है, जिसके बारे में लोग जानते हैं। ऐसे ही हम लोग बातचीत में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे चार लोग बात कर रहे हैं, उसमें मिस्टर शर्मा ने अपनी ओपिनियन रखी और सब लोगों ने सुनी, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि एज मिस्टर शर्मा सैड आई एग्री विद दिस, जैसे कि मिस्टर शर्मा ने कहा मैं उससे सहमत करता हूं, मैं उसको सहमत करता हूं, मैं उनके अकॉर्डिंग जाता हूं। तो एज मिस्टर शर्मा सैड आई एग्री विद दिस, राइट? जैसे मिस्टर शर्मा ने कहा मैं उससे सहमत हूं। तो यहां पर देखो आप, एज यू थिंक, एज यू थिंक, जैसा आप सोचते हो यू बिकम, अब बन जाते हो, राइट? एज शी सैड आई डोंट बिलीव इन इट, ठीक है? एज शी सैड, जैसा उसने कहा आई डोंट बिलीव इन इट, मुझे इसमें यकीन नहीं है। तो किस बात में यकीन नहीं है? जो उसने कहा है। सो हियर द एज इज एक्चुअली इन कंजंक्शन, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी के अभी आप जब अपना डायरी राइटिंग भी करें या फिर कुछ भी राइटिंग वर्क करें, उसमें एज को जरूर यूज करें, और ये आपको पढ़ने में भी यूज होता ही है। आप कोई भी रीडिंग करेंगे, आपको एज कहीं ना कहीं लिखा इस तरीके से, इस सेंस में मिल ही जाएगा। ये आपका कंजंक्शन है। साथ में आपको बता दूं कि यह आपका जो है एडवर्ब के सेंस में भी यूज होता है, लेकिन एडवर्ब में मीनिंग अलग देता है। जैसे देखो, एडवर्ब का एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, ये भी समझ लो आप थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा शी इज, या ही इज बोल सकते हैं हम लोग जो लेना चाहें, शी इज एज ब्यूटिफुल एज गीता, राइट? अब देखो यहां पर शी इज एज ब्यूटिफुल एज गीता, ये यहां पर एज जो है इस ब्यूटिफुल एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज हुआ है, साथ में यहां और एज लग गया है। तो ये जो एज आपका आ रहा है यहां पर, इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब के रूप में वर्क कर रहा है, राइट? तो ये था आपका एडवर्ब में एज का यूज। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा, टफ नहीं है, इजी है। इसके अलावा एज का मतलब जो होता है वेन के सेंस में भी निकलता है, ठीक है? जैसे आपने कहा आई वेंट देयर
एज ही केम, राइट। देखो इधर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया जब वह आया, राइट। तो हियर द एज इज वर्किंग एज एन when, when के सेंस में ये यूज हो रहा है, चूंकि यहां पर एक कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, कंजंक्शन के रूप में इसको हम यूज कर रहे हैं, और ये मीनिंग जो है when का यहां पर दे रहा है। तो ये इसमें सबसे पहला मीनिंग आप इसका जैसे वाला के सेंस में याद रखें, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये तो नॉर्मल यूजेस है, लेकिन राइटिंग स्किल में ये बहुत ज्यादा एज का यूज आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स एज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं एंड पर। डियर स्टूडेंट्स एंड के जो यूजेस हैं इसको समझना, आप बोलेंगे सर एंड का तो सारे स्टूडेंट्स को यूज पता है। आपको बता दूं मैं जो आज बताने वाला हूं ना वो आपको पता नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, आपको मेरी गारंटी नहीं है पता होगा कंसेप्ट। एंड जो होता है याद रखिएगा, सब्जेक्ट को भी जोड़ता है, वर्ब को भी जोड़ता है, और ऑब्जेक्ट को भी जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर ये तीनों चीजें देखने को मिलती है आपको, सब्जेक्ट देखने को मिलता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये तीनों को जोड़ने का काम करता है। जिस देखिए मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, राम कम्स हियर, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बताऊंगा आपको ताकि आप जो है इजीली तरीके इजीली समझ जाए। श्याम कम्स हियर, सेंटेंस ए एंड बी, ओके। जब स्टूडेंट्स ये सेंटेंस ए और बी जुड़ेंगे तो यहां पर ये सब्जेक्ट से जुड़ेंगे, क्योंकि देखो कम्स कम्स कॉमन है, राम और श्याम, राइट। तो आप जब इसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे राम एंड श्याम, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स। अब यहां पर कम्स लिख रहे थे, चूंकि आप दो लोग आ रहे हैं तो आप कहेंगे राम एंड श्याम कम हियर, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान दे आप लोग, राम एंड श्याम कम हियर। अब दूसरा देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये पहला था, दूसरा देखेंगे ये ए और ये बी, इसमें देखना आप, शी प्लेज एनी गेम, और दूसरा है शी स्लीप्स। अभी भैया घर पर बच्चे पूरी तरह फ्री हैं, तो एक बच्ची है, शी प्लेज एनी गेम, शी स्लीप्स, ओके। अब आपको एंड से जोड़ना है तो आप कहेंगे शी, अब देखो शी शी तो कॉमन है तो ये तो आएगा नहीं, शी प्लेज एनी गेम्स एंड स्लिप्स। नाउ यू कैन सी दिस सेंटेंस, वो कोई गेम खेलती है और सोती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती वो, राइट। अब तीसरा देखना, यहां पर मैंने किसको जोड़ा है स्टूडेंट्स, वर्ब को, ये जुड़ा है सब्जेक्ट, ये जुड़ा है वर्ब, अब मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको ऑब्जेक्ट को एंड से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना, ये ए और ये बी, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड शी स्पीक्स हिंदी। अब एक लड़की है वो हिंदी भी बोलती है और इंग्लिश भी बोलती है, तो आप क्या कहोगे, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी। नाउ यू कैन सी दिस सेंटेंस, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब यहां पर स्पीक्स और शी दोनों कॉमन था तो इसको एज इट इज लिख दिया, और हमने इसमें ऑब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने सब्जेक्ट को जोड़ा, आप देख सकते हैं एग्जांपल आपके सामने लिखा है, इसमें मैंने वर्ब को जोड़ा, आप देख सकते हैं एग्जांपल्स आपके सामने लिखा, और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को जोड़ा है, आप देख सकते हैं एग्जांपल्स आपके सामने लिखा है। तो ये एंड इस तरीके से जोड़ता है। साथ में याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जब दो सेंटेंसेस, तीन सेंटेंसेस, चार सेंटेंसेस एंड से जुड़ रहे हो तो जो वर्ब की फॉर्म आपने पहले सेंटेंस के साथ में लगाई है वही सारे के साथ में लगती है। जैसे ही comes here, he studies, he helps me, वह यहां आता है, पढ़ाई करता और मेरी मदद करता है। अब ये तीनों सेंटेंसेस को जब आप एक साथ बोलेंगे तो आप कहेंगे he comes here, comma studies and help me। Now you can see he comes here, यहां मैंने लगाया है V5 verb की fifth form, स्टडीज यहां भी लगाया मैंने V5, और हेल्प्स में भी यहां एस लगेगा, राइट। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, ही कम्स हियर स्टडीज एंड हेल्प्स मी। यू कैन सी ये जो सारे सेंटेंसेस आपके आ रहे हैं, ही कम्स हियर स्टडीज एंड हेल्प्स मी, इस तरीके से आपके यूज हो रहे हैं। तो आपने देखा ये किसके यूज भी है, एंड का। तो एंड का जो यूज है समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एंड में
जब इस तरीके से दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने में एंड यूज होता है, तो जो वर्ब की फॉर्म हमने पहले इसके साथ में लगाई वही वर्ब की फॉर्म जो है सभी में यूज होंगी। देख सकते हैं आप यहाँ V5 कम से स्टडीज है, हेल्प्स है, ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा शी इज वॉचिंग टीवी एंड रीडिंग अ बुक। अब अगर आप यहां पर ये लिख दोगे कि शी इज वॉचिंग टीवी एंड रीड अ बुक, सो इट विल बी रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि यहां पर आपने वॉचिंग लगाया तो एंड के बाद भी आपको वर्ब में आईएनजी लगाना, दैट आई एम टेलिंग यू ऑल, ये आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इफ नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोग बात हम लोग बात करते हैं इफ का, जिसका मतलब होता है यदि। देखो आप में से मैक्सिमम लोगों को इफ का यूज पता है लेकिन करेक्ट यूज नहीं पता, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपने दिमाग में इफ के बारे में एक बात याद रख लें कि इसके बाद आने वाला सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कम ऑन। अगर आप किसी से बोले यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, राइट? आप इस सेंटेंस को जब आप बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो एक चीज अपने माइंड में याद रख ले कि आपको ये जो पहला सेंटेंस आपका आया है इसको फ्यूचर में नहीं बनाना है, ये इफ का रूल है। आपको इसको लिखना होगा इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। यदि आप मेरी मदद करोगे, इफ यू हेल्प मी कॉमा, ये जो तो आ रहा है स्टूडेंट्स इसके लिए सो नहीं लिखना है, आपको याद रखना है इसके लिए क्या लगाना है, आपको कॉमा लिखना है ना, इसके साथ सो नहीं लगाएंगे अपन। इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करोगे कॉमा, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, दैट इज। तो ये आपको याद रखना, अगर आप इसे इस तरीके से कहेंगे इफ यू विल हेल्प मी आई शैल हेल्प यू या आई विल हेल्प यू। डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट मी टेल यू कि ये सेंटेंस आपका गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि इफ के बाद में कुछ ऐसे कंजंक्शन है आपकी, जैसे इफ, अंटिल, अनलेस, वेन एवर, वॉट एवर, वेन, वाइल, वेयर, ये कुछ ऐसे कंजंक्शन है आपके जिनका जिनके बाद में आपका फ्यूचर टेंस का उपयोग नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। इसको आप चाहें तो इफ को सेंटेंस के मिडिल में भी लगा सकते हैं। I will not go there if you go. ये देखो, मैं नहीं जाऊंगा यदि आप जाओगे तो, I, या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हो, she bring a new cell phone if she goes to market. देखिए, वो नया सेल फोन लाएगी इफ शी गोज टू मार्केट, अगर वो मार्केट जाती है तो, राइट? तो ये कंसेप्ट आप याद रखिए कि इफ के बाद में आप ये नहीं लिखो इफ शी विल गो टू मार्केट, नो, इफ शी गोज टू मार्केट, दैट इज। तो ये छोटे छोटे रूल है इफ के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है यदि। उम्मीद करता हूं इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, दैट पर, दैट का यूज देखिए आप स्टूडेंट, दैट जो है आपका, इसका मतलब कंजंक्शंस में की निकलता है, राइट? तो ये थोड़ा समझेंगे आप लोग, चूंकि ये आपका एक प्रोनाउन है, साथ में ये आपका एडजेक्टिव भी है, तो आपका ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। जैसे आप जब कहते हैं दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, तो इस तरीके से दिस का दैट बनता है। तो हम लोग उस सेंस में नहीं पढ़ रहे हैं, हम दैट को पढ़ रहे हैं कंजंक्शंस के बेसिस में, जिसमें दो सेंटेंस को जोड़ने के रूप में इसका यूज होगा। जैसे देखिए, ही said that he was a doctor, उसने बताया कि या उसने कहा कि वह एक डॉक्टर था। तो याद रखेंगे आप लोग, दैट के बाद जुड़ने वाला जो सेंटेंस है, राइट, उसका असर इस सेंटेंस पर से पड़ता है। मतलब अगर ये आपका पास्ट में आए तो दैट के बाद आने वाला सेंटेंस भी पास्ट का आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीबडी। दूसरी बात, दैट को जो है आप किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड के साथ नहीं जोड़ते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहोगे उसने कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूं, ठीक है? तो आप इसको ये नहीं कर दे कि ही asked me that where I was going
या वेयर आई एम गोइंग लाइक, ऐसा कुछ भी, ये गलत हो जाएगा। याद रखेंगे आप, जब भी कोई डब्ल्यू एच वर्ड लगता है तो उसके साथ आपको दैट नहीं लगाना होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था राइटिंग स्किल का, उसमें भी आपको बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में दैट कनेक्टिव का उपयोग नहीं होता है, दैट कंजंक्शन का उपयोग नहीं होता है। तो आप यहां दैट नहीं लगाओगे, आप इसको डायरेक्ट लिखोगे कि ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। अब आपने से कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर आपने तो यहाँ लिखा मैं कहाँ जा रहा हूँ और आप यहाँ लिख रहे हैं आई वॉज गोइंग, आई एम गोइंग क्यों नहीं लिख रहा हूँ। भैया याद रखिए, पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाली भी पास्ट की, कम ऑन, पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाली भी पास्ट की ग्रामर का रूल है। अगर पहला सेंटेंस पास्ट का आ रहा है तो उसके बाद आने वाला सारे सेंटेंस पास्ट के होंगे। आप देख सकते हैं ऊपर वाला सेंटेंस भी जो मैंने लिखा था, ही सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर, अगर आप ऐसा लिखोगे ही सेड दैट ही इज अ डॉक्टर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सेड दिया है, सेड कौन सा टेंस है आपका, सिंपल पास्ट है। तो जब ये सिंपल पास्ट है तो इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो भी पास्ट का होगा, ये रूल है ग्रामर का, गॉट इट। इसके अलावा कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, हियर का देयर, नाउ का देन, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी उसमें मैंने डिटेल्ड इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। आप आई बटन यहां क्लिक करेंगे तो आपको सारे नरेशंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर बेस्ड वीडियो मिल जाएंगे, उनको भी आप देखकर इसको समझ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है जुड़ी हुई है। अगर आप सारी ग्रामर को अच्छे से सीख लेते हो तो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर मैं आपको नहीं भी ये पढ़ाता तो भी आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, राइट। तो ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है यहां पर कि आपको याद रखना है कि जब भी आपके सेंटेंस में दैट लग रहा हो और अगर वहां पर आपका कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो फिर वो दैट का कोई यूज नहीं होगा, उसको हटाना पड़ेगा आपको वहां से, राइट, वो इनकरेक्ट यूज उसका हो जाएगा, ये चीज याद रखना है। ऐसे ही मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा तुम कहां रहते हो, तो आप क्या कहेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये होगा, राइट, वेयर आई लिव्ड। याद रखेंगे वेयर डू आई लिव, वेयर डिड आई लिव, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। वेयर के बाद सेंटेंस सिंपल जो है अफर्मेटिव बनता है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है। देखो वेयर के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस आया आपका, ये नहीं करेंगे वेयर आई वॉज गोइंग, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं दैट आपको समझ में आएगा। तो दैट का मतलब होता है की, दैट का मतलब होता है की, दैट का मतलब होता है की, दो तीन चार बोलकर देख लेंगे आप। और वैसे दैट का मतलब आप वह भी होता है, दैट वह, ठीक है, दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है, हम इस तरीके से बोलते नहीं बोलते, तो दिस से बनने वाला दैट है। लेकिन वहां पर दैट किसके रूप में काम करता है, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव रूप में काम करता है, वो डिफरेंट सिचुएशन है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं ऑल दो पर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ऑल दो, आपको बता दू ऑल दो एंड दो दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका भाई होता है इवन दो, ठीक है। तो इवन दो हालांकि आपका कंपाउंड कंजंक्शन होता है तो हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, दो और ऑल दो की बात करते हैं। इनका दोनों का मतलब एक ही होता है, ये वहां यूज होता है जहां पर आप कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यद्यपि जिसे आप बोले, यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह बहुत पैसे खर्च करता है। देखो एक और तो आप उसको गरीब बता रहे हो और दूसरी ओर उसको खर्चीला भी बता रहे हो, है ना, मतलब यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका उपयोग ऑल दो का भी आपको रीडिंग में, आप जब कुछ भी पढ़ेंगे, राइटिंग आप जब करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल ही जाता है। देखिए जैसे मैंने कहा ऑल दो ही इज पुअर, पुअर के आगे आर्टिकल ए मत लगा बैठना भैया, पुअर आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगता है ना, तो ही इज अ पुअर कर दो, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑल्दो के साथ में यट लगता है, पॉइंट टू बी नोटेड, दो ऑल्दो के साथ में आपको यट लगाना होता है। तो ऑल्दो ही इज पुअर यट ही स्पेंड्स मच, राइट, यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो पैसे बहुत खर्च करता है। अब इसका उपयोग आप अच्छे स्टैंडर्ड सेंटेंस में भी कर सकते हो, ऑल्दो वी प्लांट so many trees every year yet they are not taken care of, यद्यपि हम हर साल काफी सारे पौधे लगाते हैं yet they are not taken care of, फिर भी उनकी परवाह नहीं हो पाती, बेचारे मर जाते हैं, है ना। तो ये ऑल्दो आपका एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि एक कॉन्ट्रास्ट आप बताते हो, एक प्रकार का डिफरेंस आप बताते हो कि एक और तो ऐसा बता रहा, दूसरी और कुछ अलग हो जाता है ना, तो उस सेंस में ऑल्दो का यूज होता है, आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं टिल पर। तो भैया टिल को आप समझ ले, टिल जो है ये आपका प्रीपोजिशन भी है,
और प्रीपोजिशन में इसका मतलब होता है तक के सेंस में, जैसे मैं 9 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, सो आई विल हैव रीच्ड देयर टिल 9 o'clock, टिल संडे, टिल मंडे, टिल ट्यूजडे, इस तरीके से बोलचाल की भाषा में भी टिल यूज होता है, लेकिन टिल जब कंजंक्शन में आप यूज करते हो तो ये आपका यूज होता है अनटिल की तरह। अब अनटिल अनलेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप में से कुछ लोगों को इसका यूज पता होगा, नहीं पता होगा तो देखिए अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है। तो अनटिल और टिल दोनों का मतलब कंजंक्शन में एक जैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पता होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा अनटिल यू कम हियर आई शैल नॉट गो, जब तक आप यहां नहीं आओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, राइट। अनटिल यू कम हियर, तो ऑन द प्लेस ऑफ अनटिल आई कैन यूज टिल, टिल यू कम हियर आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो टिल यू कम हियर, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि आई शैल नॉट गो टिल यू कम हियर, आई शैल नॉट गो फ्रॉम हियर, ये भी लगा सकते हो हम यहां पर, आई शैल नॉट गो फ्रॉम हियर टिल यू कम हियर, राइट। तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है आपका टिल और अनटिल दोनों एक जैसे यूज होते हैं, जिनका मतलब होता है जब तक नहीं। दूसरा टिल का यूज मैंने आपको बताया कि टिल जो आपका प्रीपोजिशन भी है जो कि मीनिंग किसका देता है उसमें तक का, संडे तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क टिल संडे, राइट। तो कुछ इस तरीके से यूज होता है आपका टिल, उम्मीद करता हूं ऑल्दो टिल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं व्हेन, व्हाइल एंड वेयर पर। नाउ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हेन को, जैसा कि आप लोग जानते हैं व्हेन का मतलब होता है कब, और आपको बता दूं इसका मतलब जब भी होता है। तो ये आपका इंटरोगेटिव जो है एडवर्ब है, राइट, और इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, बट यहां पर आज हम इसको यूज करेंगे कंजंक्शन के रूप में जो कि सेंटेंसेस को जोड़ने में यूज होगा। देखिए कैसे सेंटेंसेस को जोड़ने में हम इसको यूज करते हैं, ध्यान देंगे आप। मैंने उससे पूछा कि कब जाना है, ध्यान दीजिएगा, मैंने उससे पूछा कि कब जाना है, बस इतना बोला आपने, तो आई आस्क्ड हिम व्हेन टू गो, सिंपल सा कंसेप्ट है व्हेन टू गो, है ना। मैंने उससे पूछा कि कब जाना है, तो आई आस्क्ड हिम व्हेन टू गो। हियर द व्हेन इज एक्चुअली वर्किंग एज इन कंजंक्शन, जो कि एक इंडिविजुअल वर्ब को इस सेंटेंस के साथ में जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे ही देखो इंटरगेटिव सेंटेंस में आप पूछिए, जैसे मैंने कहा डू यू नो, क्या तुम्हें पता है व्हेन दे केम, क्या तुम्हें पता है वे कब आए, डू यू नो व्हेन दे केम। और इसके नीचे अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लो डू यू नो व्हेन डू दे कम, या फिर ऐसा लिख दूं डिड दे कम या कुछ भी, तो आपको बता दूं इट विल बी इनकरेक्ट। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भैया क्योंकि रूल याद रखना कि अगर कोई भी WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है तो उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, ये रूल है। और अगर आपने व्हेन के बाद में डू डिड या कुछ भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगा दी तो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, दैट्स द रूल, एंड दैट इज वाई नीचे वाला सेंटेंस आपका गलत है, ऊपर वाला आपका सही है। तो ये जो व्हेन है जिसका मतलब निकल रहा है कि डू यू नो व्हेन दे केम, आप क्या आपको पता है वे कब आए, तो ये इस तरीके से आपका यूज हो रहा है। इसके अलावा व्हेन के और भी काफी सारे यूजेस हैं, व्हेन यू व्हेन यू वर बिजी, जब आप व्यस्त थे, आई वेंट आउट, ठीक है, व्हेन यू वर बिजी आई वेंट आउट, जब आप बिजी थे, व्यस्त थे, कोई काम कर रहे थे, आई वेंट आउट, उस समय मैं बाहर चला गया, उस समय मैं बाहर निकल गया। तो ये जो है व्हेन यहां पर जब के सेंस में आपका यूज हो रहा है। इसी तरीके से आपको समझना है भैया व्हाइल को भी, व्हाइल का मतलब भी जब निकलता है। व्हाइल के चूंकि 2-3-4 यूजेस हैं तो मैं अभी पहला यूज आपको बता देता हूं। तो जैसे व्हेन के बाद में सिंपल पास्ट टेंस आपने यूज किया है, देख सकते हैं व्हेन यू वर बिजी, तो ऐसे ही व्हाइल के बाद में कंटिन्यूअस टेंस आता है। व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, ये देखो व्हाइल के बाद आने वाला सेंटेंस कंटिन्यूअस का होना चाहिए, ये रूल है व्हाइल का। तो व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी शी वाज प्लेइंग एनी गेम, राइट, जब मैं टीवी देख रहा था उस समय वो कोई गेम खेल रही थी, है ना।
वाइल आई वॉज वॉचिंग, अगर आप ये बोलोगे कि वेन आई वॉज वॉचिंग टीवी शी वॉज प्लेइंग एनी गेम, तो ये स्पोकन के हिसाब से ठीक है, बट आपको याद रखना है कंटिन्यूस टेंस के बाद के पहले आपको वाइल लगाना होता है, जबकि सेंस में ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से वाइल का आपका यूज होता है जबकि सेंस में, और लास्ट में आपका होता है वेयर, तो वेयर को भी थोड़ा सा समझ ले, वेयर कैसे यूज होता है। जिसे आपने कहा मैंने उससे पूछा कि कब जाना है, अगर मैं इस कब की जगह लिख दूं कि मैंने उससे पूछा कहां जाना है, ओके मैंने उससे पूछा कि कहां जाना है, तो आई आस्क्ड हिम वेयर टू गो, ठीक है। जैसे आपने कहा मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, तो आप कहोगे आई नो वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। देखो ये किस तरीके से कंजंक्शन में यूज हो रहा है और इनको समझिए आप इनके कंसेप्ट को। मैं जानता हूं वो कहां रहता है, आई नो वेयर ही लिव्स, ठीक है, आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं वो कहां रहता है, ओके क्या आप मुझे बता सकते हो ये रोड कहां जाता है, कैन यू टेल मी वेयर दिस रोड गोज। देखो कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं और सरल भी है, बहुत इजी है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर दिस रोड गोज, ये रास्ता कहां जाता है, ये रोड कहां जाता है, वेयर दिस रोड गो, राइट। और जब आप आंसर देंगे तो आप देंगे दिस रोड गोज टू इंदौर, जहां भी जाता हो, ठीक है, आप उस तरीके से उसको आंसर दे देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने आज आपको सिखाया राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसे कंजंक्शंस जिनका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमने देखा एज, दूसरा देखा एंड, तीसरा देखा इफ, चौथा दैट, ऑल्दो, टिल, व्हेन, व्हाइल एंड वेयर, और इनको मैंने कनेक्ट करके प्रैक्टिकली विद एग्जांपल सारी चीजें आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करी। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि मेरा छोटा सा जो प्रयास है इसकी मदद से आपने कुछ सीखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल अपनी कम्युनिटीज में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जनरली मैं बोलता नहीं हूं चैनल सब्सक्राइब करने का, बट मैं इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप और हम जो है हमेशा के लिए अब जुड़ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके का इंटरेस्टिंग आपके लिए लेकर आने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।